अब समस्त खंडवा जिले में निर्माण की दुनिया में विश्वसनीय कार्यों के लिए साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी। जी हाँ, सभी प्रकार के भवन, दुकान, ऑफिस, गोडाउन, मांगलिक परिसर, होटल, गार्डन, फार्म हाउस, वेयर हाउस के निर्माण कार्य और नगर पालिक निगम की TNC की परमिशन। सभी प्रकार के आधुनिक एलिवेशन, इंटीरियर, आर्किटेक्चर कार्यों के लिए संपर्क करें इंजीनियर आकाश नेबनानी, साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, मोगट रोड, तीरथ धाम, गुरुद्वारे के सामने, JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। खंडवा में 20 अगस्त मोहर्रम के जुलूस के दौरान धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी को लेकर कोतवाली थाना पुलिस ने करीब 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हिंदू संगठनों की शिकायत और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो के आधार पर पुलिस ने ये कार्यवाही की है। इनमें 5 लोग नामजद हैं। जो अभी तक पुलिस के पास वीडियो आए उसमें देश विरोधी नारेबाजी की पुष्टि नहीं हुई है। CSP ललित गटरे ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवारा बाजार के मोहर्रम के जुलूस के दौरान भीड़ इकट्ठा हुई थी। जुलूस के दौरान कुछ व्यक्ति विशेष द्वारा आपत्तिजनक नारे धर्म विशेष के संबंध में लगाए गए थे, जिस पर आज थाना कोतवाली में आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। उसमें से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसमें अभी 5 लोगों की पहचान हो पाई है। अन्य करीब 10 लोग और भी हैं, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इन लोगों द्वारा धर्म विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्द कहे गए थे, जो कि हमें वीडियो में प्राप्त हुए हैं। इसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभी तक पुलिस के पास जो वीडियो आए हैं उसमें देश विरोधी नारेबाजी की पुष्टि नहीं हुई है। अगर इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो इसमें धाराएं और बढ़ाई जाएंगी। कोतवाली थाने में 15 लोगों पर धारा 295A, 153A, 147, 188 और 294 में प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले में आरोपियों में 5 लोग नामजद सहित 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो थाना कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को खंडवा न्यायालय में पेश किया। वहीं शेष की युवकों की तलाश करने के साथ ही वीडियो में चेहरे देखकर उनकी पहचान की जा रही है। मोहर्रम पर निकाले गए ताजियों के जुलूस के दौरान हिंदू धर्म भगवान के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी करते हुए गाली गलौज करने का मामला छाया हुआ था। हिंदू धर्म के आराध्य भगवान को लेकर आपत्तिजनक नारेबाजी करने वालों पर कार्यवाही के लिए हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही पुलिस को नारेबाजी करने वालों के वीडियो भी उपलब्ध कराए गए हैं। हिंदू संगठनों ने ऐसे लोगों पर देशद्रोह का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। जहां कोतवाली पुलिस ने आज 5 लोगों में, जिसमें फेज बादशाह, गणेश तलाई, गुलाम कादरी, बुधवारा बाजार, जुबेर जाटू खानशावली और शाहरुख तिगाला काहरवाड़ी शामिल है। जो दिनांक 20 अगस्त को थाना कोतवाली क्षेत्र में मोहर्रम के दौरान एक ताजिया विसर्जन का था, जिसमें जुलूस के तौर पर भीड़ इकट्ठा हुई थी और जिस पर जुलूस के दौरान कुछ व्यक्ति विशेष द्वारा कुछ ऐसे आपत्तिजनक नारे कुछ धर्म के संबंध में लगाए गए थे, जिस पर आज थाना कोतवाली पर एक आज आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें कुछ वीडियो फुटेज सामने आए। उसमें से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके थाना कोतवाली में सेक्शन 295A, 153A, 147 बलवा और 294 धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें कुछ अभी 5 लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, अन्य 10-15 लोग भी हैं जिसको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। क्या नारे लगाए, किस तरह के नारेबाजी की? ये जो कुछ धर्म है, हिंदू धर्म के विशेष में इन्होंने ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहे थे उसके दौरान, और जो कि हमें वीडियो में प्राप्त हुए हैं आवेदन में, इसी के तहत ये अपराध पंजीबद्ध किए गए। अभी इस तरीके तत्व खंडवा शहर पर अभी नहीं आए, अगर अन्य ऐसे कोई वीडियो हमें प्राप्त होते हैं तो उसमें ऐसी धारा भी बढ़ाई जाएगी।